उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हर रोज की तरह आज भी उन्होंने बैठक शुरू की, यानी अपना कामकाज शुरू किया, और बैठक शुरू होते ही उनकी बैठक में राम भजन सुनाई दिया। जी हाँ, क्योंकि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही दिन का समय बचा है, तो राम मंदिर के उद्घाटन से पहले जहाँ देश भर में माहौल राममय होता जा रहा है, वहीं जुबिन नौटियाल का भजन भी बहुत पॉपुलर हो रहा है, जिसमें पायल देव की आवाज भी है। और अब इस भजन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुद रिएक्ट किया है। जुबिन नौटियाल और पायल देव की मखमली आवाज से सजा राम भजन मेरे घर राम आए हैं आजकल खूब सुना जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में अब केवल कुछ दिन बचे हैं और इस खास मौके के इंतजार में देश भर का माहौल राममय हो गया है। ऐसे में भगवान श्री राम की भक्ति में डूबा जुबिन का भजन जबरदस्त पॉपुलर हो रहा है। इस भजन में उनके साथ पायल देव की भी आवाज है और इसके बोल लिखे हैं गीतकार मनोज मुंतशिर ने। इस गीत की लोकप्रियता का जादू ऐसा है कि अब प्रधानमंत्री मोदी पर भी इसकी धुन का जादू हो गया। प्रधानमंत्री के ऑफिशियल हैंडल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की गई, जिसमें इस भजन की प्रशंसा की गई है। और इस पोस्ट के साथ पीएम के हैंडल से भजन का यूट्यूब लिंक भी शेयर किया गया है, ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच सके। और इसी को देखते हुए, क्योंकि खुद पीएम ने इस लिंक को शेयर किया है, तो उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह जब बैठक की शुरुआत की तो इसी राम भजन के साथ की है। और उनकी बैठक में मौजूद तमाम जो मंत्री और नेता वहाँ मौजूद थे, सभी इस भजन को सुनकर मंत्रमुग्ध होते नजर आए हैं।